दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चुनाव के इस माहौल में, जब चुनावी माहौल है, ऐसे में विरार से सामने आई एक अपराध की घटना में बड़ी राजनीतिक पार्टी के बड़े पदाधिकारी का नाम सामने आने से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल घटना कुछ ऐसी है कि विरार अंतर्गत हवेली होटल नाम के एक होटल में बीते 16 तारीख को कुछ लोगों द्वारा होटल मालिक के साथ और वहां के मैनेजर के साथ मारपीट की गई, और इस मारपीट में जो नाम सामने आया वो नाम है कांचन महेश ठाकुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी है। कांचन महेश ठाकुर का नाम इसमें सामने आने के बाद कहीं ना कहीं क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और मामले को रफा दफा किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विरार के कुणाल सतीश चोरगे और उनके भाई धवल चोरगे, जो कि एक होटल का व्यवसाय करते हैं, उनका आरोप है कि 16 अक्टूबर की रात 10-10:30 बजे के करीब कुछ लोग उनकी होटल में खाना खाने और वहां शराब पीने बैठे थे, तभी शराब के नशे में एक युवक ने आकर गाने के लिए माइक मांगा। तब होटल मैनेजमेंट ने यह कहकर मना कर दिया कि हम एक कस्टमर को अगर माइक देंगे तो सबको देना पड़ेगा। इस बात पर विवाद शुरू हुआ और इस विवाद के शुरू होने के बाद जो लोग वहां खाना खाने और शराब पीने आए थे वो लोग भड़क गए, उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। फिर वाद बढ़ता गया और ऐसे में कांचन महेश ठाकुर, जो कि तब वहां नहीं थे, लेकिन उन्हें जब इस बात की घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने साथ 30-35 लोगों को लाकर विरार के इस हवेली होटल में तोड़फोड़ की, वहां के जो साधन सामग्री थी उनको गिराया और होटल मालिक के साथ मारपीट अंजाम दी। इस पूरे घटना के लिए कांचन महेश ठाकुर को सूत्रधार बताया जा रहा है और इस मामले पर 16 तारीख की यह घटना थी रात के 10:30-11 बजे की। 17 तारीख को इस घटना को लेकर एक FIR हाल ही में शुरू हुए बोलिंग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। तो इस मामले से कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल में एक अलग चर्चा का विषय शुरू हो गया। वसई विरार अंतर्गत दहशत को मिटाने की और गुंडागर्दी को मिटाने की बात कई बार कही जाती है, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त इस तरह से बड़ा मारपीट का मामला और उसमें एक पार्टी के पदाधिकारी का नाम आने से कहीं ना कहीं यह मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हो, सीसीटीवी फुटेज उसी घटना का है जिसमें दिखाई दे रहा है कि कांचन ठाकुर भी वहां मौजूद है। फिलहाल इस मामले पर मामला दर्ज हो चुका है और आगे की प्रक्रिया जारी है, और कहीं ना कहीं इस मामले से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफी फर्क पड़ने वाला है, ये साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। खबर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।